मौमिता देवनाथ, यानी कि एक लड़की के साथ एक पूरा देश खड़ा है आज, यानी कि उनके साथ एक ऐसी चीज हुई है जिसके बारे में लोग सोच के आज हैरान है और पूरा देश एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, वी वांट जस्टिस। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो हाल फिलहाल देश में क्या चीजें चल रही है वो आप सबको मालूम है, तो मैं आज आपको कुछ भी ज्ञान फैलने को नहीं आया, मैं आज आपको सिर्फ ये बातें बताने आया हूँ कि हमारे देश में लड़कियों के लिए क्या क्या सुविधा हम दे पाते हैं और कितनी शॉर्टेज है लड़कियों की सेफ्टी रिलेटेड रूल्स की और गाइडलाइंस की। तो आप समझो कि एक लड़की पूरी रात में अकेले रह नहीं पा रही है, अकेले काम नहीं कर पा रही, तो इस देश में लड़कियों की सेफ्टी के लिए हमने क्या ऐसी चीज़ें नहीं की है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, और इसके कारण आज पूरे कोलकाता में दंगे हो रहे हैं, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसकी वजह से 17 तारीख से लेके स्टार्ट हुआ है नेशन वाइड डॉक्टर्स का 24 आवर्स का स्ट्राइक। तो आप समझो कि एक पूरे रेप केस के रिलेटेड काफ़ी सारे लोग की जान आज जोखिम में है, यानी कि एक समझो कि आप लड़कों के लिए पूरी सेफ्टी, लड़कों को कोई कुछ नहीं बोलता पर लड़कियों के लिए कितने रूल्स कायदे, घर से बाहर नहीं निकलना, ये सारी चीज़ें, इसको फॉलो करो इसको फॉलो करो, पर हमने हमारी सरकार ने लड़कियों के सेफ्टी रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस बाहर की है जो हम लोग बोलते रहते हैं कि लड़कियों के हमारे लिए सरकार ये करती है वो करती है, पर वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें होती है तब कहाँ पे जाती है और ये सारी चीज़ें लागू होती है तो ये सारे केसेस और ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही है, तो इस सब का जवाब किसी के पास नहीं है। तो आज वही सारी चीज़ें हाल फिलहाल हमारे देश में चल रही है और काफ़ी सारे लोग इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि आप भी समझो कि आपके परिवार में से कोई लड़की होती और उसके साथ कुछ ऐसा होता तो आप क्या करते। तो वही चीज़ आज हमारी देश की बेटी के साथ हुई है जिसका नाम था डॉक्टर मौमिता देवनाथ, और ये सारी चीज़ें 9 अगस्त रात को कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है उसमें होती है और किसी को मालूम नहीं होता, और उसकी सारी जो रिलेटेड कार्रवाई होती है वो सारी 4-5 दिन चलती है और उसके बाद कोई एक नतीजे पे पहुंचती है और उसके बाद CBI जांच और काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही है जो आपने न्यूज़ में काफ़ी सारे दिन से सुन रहे हो और क्या न्यूज़ सोशल मीडिया और काफ़ी सारी जगह पे इसके फोटोज़ और आर्टिकल्स एंड न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, न्यूज़ में आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, पर हमने क्या किया। तो हमारी देश की सरकार को यही विनती है कि लड़कियों की सेफ्टी रिलेटेड काफ़ी सारी गाइडलाइंस आप बाहर निकालो, काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स निकालो, क्योंकि एक बेटी सुरक्षित नहीं है तो ये पूरा देश सुरक्षित नहीं है। मैं तो यही मानता हूँ कि जो एक लड़की रात को अकेले काम करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती अपनी मर्जी से या अपनी जान की बाजी को छोड़कर, यानी कि अपने हम लड़के लोग कैसे होते हैं कि हमको तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं, हमको क्या करेंगे कोई, तो वैसे ही चीज़ लड़कियों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी एक खौफ नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरी हेल्थ और मेरी सेफ्टी के रिलेटेड मुझे कोई भी इशू होगा जब मैं रात को कहीं भी निकलती हूँ काम से के कोई भी अनदर रीज़न की वजह से, तो वो सारी चीज़ों के रिलेटेड सरकार को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड सेफ्टी रूल्स निकालने चाहिए, तो जिससे हमारी सेफ्टी और हमारी लड़कियों को हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग, ये जो ये रेप केस और ये सारी चीज़ें करते हैं, ये लोग बहुत 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 नीची जाति से आते हैं और इन लोगों को तो मैं बोलता हूँ कि जीने का कोई अधिकार नहीं है, और जी रहे हो तो किस वजह से जी रहे हो, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते तो कोई बुरा काम तो मत करो। मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत सोचो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे भुगत के जाना है और ये सारी चीज़ों के बाद आप कोई भी अच्छे बंदे हो तो प्लीज़ इसको कनेक्ट करो और लोगों को स्ट्राइक के रिलेटेड सतर्क करो और ये सारी चीज़ें दूसरी लड़की के साथ ना हो, इस बात की खास 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 ध्यान रखो। तो ये बस यही बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज कोई ज्ञान वाला रिलेटेड वीडियो आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं भी बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और ये सारी चीज़ें चलती थी तो मैंने सोचा कि आप सबको अभी तक तो न्यूज़ मिल चुकी होगी, पर मैं मेरे रिलेटेड में काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपना कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ, तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो कलकत्ता में चल रही है जस्टिस फॉर दिस केस, तो बस उसमें जुड़ो और उसको काफ़ी ज़्यादा
सपोर्ट करो, और जो ये रेप केस करते हैं ना, जो रेप करते हैं, काफ़ी सारी गंदी चीज़ें करते हैं, उन लोगों को तो पकड़ पकड़ के मारो सालों, क्योंकि ये सारे लोग हैं तब तक हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो मैं बस आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो, तो किसी का बुरा भी मत सोचो। बस आज के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आपको सब मालूम है और आप सभी जगह पे सुन रहे हो, तो मैं वही चीज़ें नहीं दोहराऊँगा। बस इतना ही कहूँगा कि जय हिंद जय भारत, और हमारी लड़कियाँ बचाओ, लड़कियाँ है तो हमारा देश है। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इससे हमारे देश के युवा नागरिकों को थोड़ी भी प्रेरणा मिले तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस लाइक शेयर कमेंट कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना, और जो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, टिल देन सी यू, बाय बाय।